तो आज की मूवी होने वाली है जी फाड़ मूवी, क्योंकि ये मूवी है डरावनी। तो अगर आप डरपोक किस्म के आदमी हो तो आप इस वीडियो को मत देखें। खैर बिना समय गवाए डायरेक्ट करते हैं इस मूवी को स्टार्ट। तो मूवी स्टार्ट होती है जहां पर हमको एक महिला दिखाई जाती है जिसका नाम होता है जेसिका। तो जेसिका की एक समस्या है कि उसको कभी कभी अजीब तरीके के सपने आते हैं और वो सपने काफी ज्यादा डरावने होते हैं, बोले तो एकदम मोती निकालने वाले। और जिसके साथ रात भर जेसिका बिस्तर पर मेहनत करती है उस आदमी का नाम होता है मैक्स। इन लोगों ने हाल ही में ही साथ में रहना शुरू किया है और मैक्स की दो बेटियां होती है टेलर और एलिस, जिनसे हम लोग आगे मिलेंगे। तो जेसिका होती है एक क्रिएटर जो कि अपनी इमेजिनेशन को बुक में उतारती है। और थोड़ी देर बाद यहाँ पर आती है टेलर और एलिस, जिनकी अब केयर की जिम्मेदारी है जेसिका की, क्योंकि जेसिका अब इनकी सौतेली मम्मी है और जेसिका चाहती है कि वो एक अच्छी मम्मी बनकर सामने आए। देखो अब जो एलिस होती है ना, वो थोड़ी बहुत अच्छी लड़की होती है, मतलब कि समझती है थोड़ा बहुत कि हाँ अब ये मेरी माँ बनने वाली है, ये मेरी देखभाल करेगी। और वही एलिस के अपोजिट जिसका नाम होता है टेलर, वो एकदम खड़ूस किस्म की लड़की होती है। और अब आप लोग यकीन नहीं मानोगे कि इसकी उम्र कितनी है, मात्र 15 साल। हाँ भाई 15 साल, छोटी टहनी पर बड़े पपीते। 15 साल में मैं इस उम्र की लड़कियों को ना दीदी कहा करता था, क्योंकि वो दीदी थी इनकी उम्र 21-22 साल थी। पर आजकल 15 साल की लड़कियां, भाई कौन सा प्रोटीन खा रहे तुम लोग, हर चीज की तुम्हारे अंदर ग्रोथ हो रही है दिमाग को छोड़कर। देखो अब जो टेलर की माँ थी वो मरी नहीं थी, वो बस थोड़ी दिमाग से किर रही थी। वो नहीं होता जो चटकी किस्म की औरतें होती है जो कि अपनी फैमिली की केयर नहीं करती, उनकी वजह से फैमिली में समस्या हो जाती है, उस टाइप की औरत होती है इनकी माता जी। इसलिए मैक्स अब जेसिका के साथ रहता है ताकि वो अपने बच्चियों को एक अच्छी परवरिश दे सके। और जेसिका भी खुश है कि उसके पास एक फैमिली है और वो अपना 100% देना चाहती है। अब जैसे कि एक दिन वो एलिस के साथ छुपन छुपाई खेल रही होती है कि तभी जेसिका के पास फोन आ जाता है और एलिस उसको ढूंढ रही होती है। और एलिस जेसिका को ढूंढते हुए एक बेसमेंट के कमरे में चली जाती है। और एक बात और, ये जो घर है ये जेसिका का घर होता है, और इसी घर में जब एलिस जेसिका को ढूंढ रही होती है तभी उसको बेसमेंट के कमरे में एक टेडी मिलता है। और जैसा कि हम सभी को मालूम कि इस उम्र के बच्चों को चुल होती है, जो भी चीज उनको दिखे ये उठा लेंगे बिना कुछ सोचे समझे। और जब जेसिका एलिस को ढूंढ लेती है तब एलिस कहती है कि मुझको एक टेडी मिला। अब देखो जिसकी छोटी झाड़ में बड़े पपीते थे वो बाहर घूम रही होती है कि तभी उसको एक पड़ोस का लड़का मिलता है जो कि होता है नेहायती महिलाबाज इंसान। अब देखा जाए तो लड़कियों को ऐसे लड़कों से दूर रहना चाहिए, पर नहीं, लड़कियां ऐसे ही लड़कों से अट्रैक्ट होती है, पता नहीं क्यों भाई। कि तभी यहाँ पर जेसिका आती है और इस लड़के से कहती है, अबे चादर मोड़, अपने प्यार का रस कहीं और टपकाना, दोबारा मेरे सामने नजर मत आ जाना। और इस बात से टेलर को काफी अनकंफर्टेबल महसूस होता है कि यार ये इसको बड़ी दिक्कत है, मैं चाहे दोस्त बनाऊं चाहे कुछ भी करूं, ये हमेशा मेरी मां बनने की कोशिश करती है। और जेसिका को इस बात से काफी बुरा लगता है, पर वो फिर भी धीरे धीरे एडजस्ट कर रही है। देखो मैक्स और एलिस ये दोनों तो खुश थे, बस प्रॉब्लम टेलर को ही थी। हाँ मैक्स खुश था क्योंकि उसको जेसिका पसंद है, और एलिस खुश थी क्योंकि उसको ये टेडी पसंद है। और जेसिका क्या नोटिस करती है कि एलिस हर समय इस टेडी से बात करती रहती है, जैसे कि ये टेडी भी उससे बात करता हो। पर इस चीज को जेसिका और मैक्स ऐसे समझते हैं कि ये एलिस का इमेजिनरी फ्रेंड है, और इसीलिए ये लोग ज्यादा इस बात पर ध्यान नहीं देते। कि तभी एक दिन जेसिका को ना चुल्ल सी मस्ती है कि यार एक बार देखा जाए कि ये एलिस इस टेडी से क्या बात करती है, और वो उसके कमरे की तरफ पढ़ते हुए अपना फोन ऑन कर लेती है ताकि वो ये रिकॉर्डिंग मैक्स को दिखा पाए। पर जैसी वो रिकॉर्ड करती है वो क्या देखती है कि ऐसा लगता है कि यहाँ पर कोई लड़की थी, क्योंकि जेसिका को यहाँ पर पैर देखते हैं। कि तभी अचानक से एक महिला उस पर हमला कर देती है। अब मेरी तरह आपको भी लग रहा होगा कि यह महिला कोई भूत होगी, पर नहीं, ये महिला होती है एलिस और टेलर की माता जी, यानी कि मैक्स की पहली बीवी, जो कि चटकी किस्म की औरत थी जिसको बुलाया था टेलर ने। और अब ये लोग टेलर और एलिस की माता जी को दोबारा से पागल खाने भेज देते हैं। और अब यहाँ की पंचायत निपटने के बाद होता है नया सवेरा, और हमको दिखाया जाता है फिर से जेसिका का चेहरा जो कि अपनी बुक के लिए कैरेक्टर बना रही होती है। और यहाँ पर आ जाती है एलिस। एलिस इस टेडी को बुलाया करती थी चेंजी। और यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं कि एलिस के पास एक लिस्ट होती है जिसमें जो भी लिखा है वो उसको कंप्लीट करना है। और एलिस ऐसा कहती है कि ये लिस्ट उसको बनाने के लिए कहा है चेंजी ने। और आज ही के दिन मैक्स यहाँ से जाने वाला था और वो कुछ दिनों बाद लौटेगा, यानी कि इन दोनों ही बच्चियों को संभालने की जिम्मेदारी है जेसिका की। और मैक्स के जाने के बाद यहाँ पर एक बूढ़ी औरत आती है, वो जेसिका से कहती है कि तुमने मुझे पहचाना।
तब जेसिका कहती है नहीं। तभी बूढ़ी औरत कहती है कि मैं तुम्हारी टीचर थी और तुम काफी टैलेंटेड थी बचपन में। तुम्हारी इमेजिनेशन काफी सुप्रीम थी, तुम हमेशा अपनी इमेजिनेशन में खोई रहा करती थी। और ये बूढ़ी औरत और भी काफी बातें करके इनको पकाती है और इतने में ही टेलर और एलिस को भूख लग जाती है और जेसिका को इस बूढ़ी औरत की बात आधे ही रास्ते में रोक कर यहाँ से जाना पड़ता है। और ये बात इस बूढ़ी महिला को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। खैर अभी खाना बनाकर जेसिका अपने पापा से मिलने जाने वाली थी जो कि इस समय हॉस्पिटल में है और घर को संभालने की जिम्मेदारी वो देकर जाती है टेलर को। दरअसल जेसिका के फादर पहले सही थे पर जब जेसिका छोटी थी तब इनके घर में कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से उसके फादर बीमार हो चुके हैं और वो होश में नहीं रहते कि वो क्या बक रहे हैं, वो क्या देख रहे हैं। और दूसरी तरफ घर में एलिस टेडी के साथ खेल रही होती है जिसका नाम है चैंसी, और टेलर जिसको अब मौका मिल चुका है कि वो अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकती है तो वो यहाँ पर बुलाती है सबसे पहले अपने पड़ोसी को। वही पड़ोसी जो कि था निहाई थी फीमेल पार्च जिसकी एलिस के साथ थोड़ी बहुत कहा सुनी हो जाती है। दरअसल एलिस यहाँ पर कीड़े इकट्ठा करती है। जी हाँ, क्योंकि एलिस को कीड़ों से डर लगता है। पर आप लोग सोच रहे होंगे जब डर लगता है फिर क्यों इकट्ठा कर रही है। दरअसल ये करने के लिए उसको चैंसी ने कहा है क्योंकि यहाँ पर एलिस जितनी भी चीजें कर रही थी वो सभी चीजें चैंसी की लिस्ट में लिखी थी जो कि हमने पहले देखी थी। पर टेलर के इस पड़ोसी को अलग ही कीड़ा काटता है, यहाँ पर उसको कुछ ना कुछ करने का मन करता है। और तभी यहाँ पर आ जाती है जेसिका और वो इस पड़ोसी की माँ पर काफी गुस्सा होती है और कहती है कि अपने चादर मोड बेटे को मेरी बेटी से दूर ही रखना। अब जेसिका का मूड पहले से ही ऑफ था उसके फादर की बीमारी की वजह से। घर आकर एक और नया सनीचर आ गया और अब वो देखना चाहती है एलिस को। तो वो जैसे ही एलिस के कमरे में जाती है वो यहाँ पर नोटिस करती है एलिस की लिस्ट जिसमें लिखा होता है कुछ ऐसा जो कि तुमको डराता हो। वो एलिस ने कंप्लीट कर दिया ये कीड़े इकट्ठा करके, कुछ ऐसा करो जो कि तुमको फंसाएगा ये भी कंप्लीट हो चुका है। दरअसल एलिस ने जेसिका की ड्राइंग फाड़ दी थी जिससे ये वाला मिशन भी कंप्लीट हो चुका है। और तभी हम लोग क्या देखते हैं कि जेसिका के पीछे कोई खड़ा होता है जो कि दिखने में काफी डरावना और बड़ा होता है। एक और चीज यहाँ पर लिखी थी समथिंग दैट मेक्स यू मैड, ये चीज भी कंप्लीट हो चुकी थी। और आखिर चीज यहाँ पर लिखी हुई थी समथिंग दैट हर्ट्स, यानी कि कोई ऐसी चीज करो जो कि तुम्हें नुकसान पहुंचाए। और अब जेसिका पूरी तरीके से घबरा जाती है कि एलिस का ये लास्ट वाली चीज ना करते। और वो जैसे ही एलिस को देखती है वो क्या देखती है कि एलिस एक कील में अपना हाथ मारने वाली थी कि उतने में ही जेसिका वहां पर पहुंच कर उसको बचा लेती है। पर एलिस को थोड़ी बहुत खरोच आ जाती है और अब जेसिका पूरी तरीके से घबरा चुकी थी और वो बुलाती है एक मनोचिकित्सक को जो कि एलिस की इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी। वो एक कैमरा ऑन करती है और एलिस से सवाल पूछना स्टार्ट कर देती है। वो पूछती है कि तुम्हें क्या परेशानी है, तुम चैंसी के साथ क्यों खेलती हो। तब एलिस कहती है चैंसी मेरा बेस्ट फ्रेंड है, वो कभी कभी मुझको अजीब चीज करने के लिए कहता है। और एलिस जब भी कोई जवाब दे रही थी वो बार बार चैंसी की तरफ देख रही थी जो कि सोफे के ऊपर था। पर अब चैंसी मुझे हर्ट करना चाहता है और अब मैं चैंसी के साथ दोस्ती नहीं रखना चाहती हूँ। और ऐसा कहकर एलिस यहाँ पर रोने लगती है और एलिस की आवाज दो तरीके की हो जाती है, एक तो एलिस की आवाज और दूसरी अलग ही भूतिया तरीके की आवाज कि ऐसा मत कहो मैं तुम्हें खा जाऊंगी। और ऐसी आवाज सुनकर इस डॉक्टर की भी लॉक जाती है कि अबे ये क्या चीज है। और वो डायरेक्ट बात करती है जेसिका से। ये डॉक्टर जेसिका को एक ऐसे ही बच्चे की वीडियो दिखाती है जिसके साथ सेम समस्या थी जो कि इस समय एलिस के साथ है। और अब जेसिका अपने बचपन का एक बॉक्स लेकर आती है, जब वो 5 साल की थी तब वो ड्राइंग्स बनाया करती थी और वो सारी ड्राइंग्स इसी बॉक्स के अंदर होती है। और जेसिका कहती है कि हो ना हो ये उस टैडी की वजह से हो रहा है जो कि मेरे पास बचपन में था। तभी डॉक्टर कहती है कौन सा टैडी। तब जेसिका कहती है अरे वही टैडी जिससे एलिस बात कर रही थी। तभी डॉक्टर कहती है तू क्या पागल है, ये देख वीडियो। और हम लोग क्या देखते है कि इस वीडियो में जिस सोफे में वो टेडी बैठा हुआ था वो वहाँ पर होता ही नहीं है। जी हाँ, दरअसल ये जो चैंसी नाम का टेडी था ये सिर्फ एलिस और जेसिका को ही दिख रहा था, इन दोनों के ही अलावा वो टेडी किसी को नहीं दिख रहा था, ना ही टेलर को, ना ही इस डॉक्टर को, ना ही किसी और बंदे को, क्योंकि जो समस्या एलिस के साथ अभी हो रही है वही सेम समस्या जेसिका के साथ बचपन में थी। और अब ये बात समझ कर जेसिका की फटके 64 हो जाती है क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि ये सब बचकानी बातें हैं। पर जब ये सभी बातें एक दूसरे से कनेक्ट हो रही थी तब जेसिका समझ जाती है कि मेरी और एलिस की जो इमेजिनेशन है वो सच हो रही है। और अब ये डॉक्टर यहाँ से चली जाती है और जेसिका देखने जाती है एलिस को और वो क्या देखती है कि एलिस यहाँ पर नहीं होती। और वो जैसे ही बेसमेंट में जाकर चेक करती है वो क्या देखती है कि यहाँ पर एक दरवाजा ड्रॉ किया गया था जो कि एलिस ने किया था। और ये दरवाजा क्यों ड्रॉ किया था
दूसरी दुनिया में जाने के लिए। और टेलर को ये सब बातें अजीब लगती है कि अच्छे दिमाग की चाम हो रहा है, मेरी बहन कहाँ है। तब जेसिका कहती है कि तुम्हारी बहन दूसरी दुनिया में जा चुकी है। और टेलर कहती है कि तू अपनी ऐसी तैसी करा, मैं जा रही हूँ पुलिस को बुलाने। और टेलर जैसे ही बाहर जाती है उसको ये बुढ़िया मिलती है और ये बुढ़िया समझाती है कि जो बातें जेसिका बोल रही है वो एकदम सच है। बचपन में जेसिका भी एक ऐसी ही दुनिया में चली गई थी गलती से, ऐसा उसका कहना था। मैं उसकी बातों पे यकीन नहीं किया करती थी, मैंने उसके ऊपर बुक भी लिखी थी और मैं चाहती थी कि मैं भी उस दुनिया में जाऊं, क्योंकि मैं ये समझ चुकी थी कि वो दुनिया हो ना हो कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती है। और ये बुढ़िया टेलर को लेकर दोबारा से जेसिका के पास जाती है, जहाँ पर ये लोग कहते हैं कि अगर एलिस को बचाना है तो हमको उसी दुनिया में वापस जाना पड़ेगा। पर उस दुनिया का दरवाजा खोलने के लिए इनको कुछ करना पड़ेगा, जैसे कि अपने आप को हर्ट करना, किसी को ऐसी बातें बोलना जिससे उसको काफी बुरा लग जाए। तो जेसिका पहले अपने हाथ में कैंची घुसेड़ देती है और टेलर को उसकी माँ को लेकर दो चार बातें सुना देती है और ये दरवाजा खुल जाता है। और इस दुनिया में पहुंचने के बाद ये दोनों ही डर जाते हैं, पर ये बूढ़ी अम्मा इतनी ज्यादा खुश होती है कि क्या ही बताएं, क्योंकि ये बूढ़ी अम्मा हमेशा से ऐसे ही किसी दुनिया में जाना चाहती थी। पर इस अम्मा का टाइम आ चुका था और एक दरवाजे से एक बड़ा सा भालू आकर इस अम्मा को खसीट के अंदर ले जाता है और इस अम्मा को आलू की तरह मसल के खा जाता है। और आखिरकार ये लोग एलिस को छोड़ देते हैं, जो कि यहाँ पर काफी खुश थी क्योंकि वो अपनी इमेजिनेशन में थी, उसको जो चाहिए था वो यहाँ पर उसको मिल रहा था। पर जेसिका और टेलर उसको काफी समझाती हैं कि ये दुनिया नकली है और एलिस इस दुनिया से बाहर जाने के लिए मान जाती है। पर इस दुनिया से बाहर जाना इतना आसान नहीं था, कभी इनके कोई पीछे पड़ जाता, कभी भालू पीछे पड़ जाता, कभी कोई भूत पीछे पड़ जाता, कभी कोई कॉम्प्लेन पीने वाला मकड़ा पीछे पड़ जाता। पर आखिरकार ये उस जादुई दरवाजे से बाहर निकल जाते हैं और वो दुनिया चलने लगती है और साथ ही जल जाता है जेसिका का घर, क्योंकि अगर ये घर नहीं जलता तो जेसिका की जो इमेजिनेशन थी, जो कि इस घर में बचपन से पल रही थी, वो भी नहीं चलती। तो जेसिका को कोई भी समस्या नहीं थी कि उसका घर चल रहा है। और जब ये लोग एक होटल में जाते हैं रुकने के लिए, तब यहाँ पर एक बच्चा जो कि एक टैडी को लेकर सेम वही बात कर रहा था जो कि एलिस किया करती थी। और बस यहीं पर ये मूवी थी एंड हो जाती है। इस मूवी से हमको यही सीखने को मिला कि अगर किसी भी चीज के बारे में हमको नहीं मालूम तो ऐसे ही उस चीज को नहीं उठाना चाहिए, क्या पता उस चीज में क्या जादू टोना किया गया हो। खैर, ये छोटी झाड़ के बड़े पपीते का रास क्या है, ये लोग ऐसी कौन सी गोलियां या दवाई खा रहे हैं जिससे इनका शरीर छोटी सी उम्र में हल्के की तरह हो गया। अगर आपको इसका रीजन मालूम है तो कमेंट में बताना मत भूलना। सब्सक्राइब दिस चैनल नाउ और चाहो तो टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो, वहां पर मैं कुछ सीक्रेट चीजें अपलोड करता रहता हूँ।